फंड एंड वेलकम बैक टू कुकिंग विद मस्ती मेवर कुकिंग इज फन। सो फ्रेंड, लास्ट टाइम मैंने आपके साथ एक मोदक की रेसिपी शेयर की थी। आई होप आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको यहीं मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। आज मैं आपके साथ एक और प्रसाद की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये बनाना बहुत ही इजी है। इनफैक्ट बिगनर इसे अगर ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी बना के अपने गणपति पापा को चढ़ा सकते हैं। विद इन 5 मिनट में ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो इसे किस तरीके से बनाना है चलिए जल्दी से देखते हैं। प्रसाद बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और इसमें मैंने डाला है 5 बड़े चम्मच घी और 1 कप लेंगे हम आटा, जो हम गेहूं का आटा यूज़ करते हैं नॉर्मली। इसमें थोड़ा घी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि आटा जो है वो घी को बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्ब करता है। अब गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पर रख के कंटिन्यू स्टर करते हुए इसे हमें गोल्डन ब्राउन तक करना है और इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो इसी तरीके से गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पर रख के कंटिन्यू स्टर करना है और इस तरीके से अगर गुठलियाँ पड़ जाए तो जिस तरीके से मैं स्पैचुला से इसे निकाल रही हूँ उसी तरीके से हमें तोड़ देना है। अब इसी तरीके से हमें स्टर करते रहना है। ये देखिए आटे ने पूरा घी ऑब्जर्व कर लिया है और ये मैंने सेम बोल से जिससे मैंने आटा मेजर करके डाला था उसी बोल से मेजर करके 2 कप पानी लिया है। पानी हमें गर्म करके डालना है हलवे में। ये देखिए ये धीरे धीरे घी छोड़ने लग गया है बट इसे हमें 3 से 4 मिनट और लगेंगे हमें फ्राई करने के लिए। तो इसी तरीके से स्टर करना है। ये देखिए परफेक्ट टेक्सचर आ चुका है, घी भी अच्छा खासा आटे ने छोड़ दिया है। अब हमने जो पानी गर्म किया है वो इस तरीके से एक एक स्पून से लेकर हम स्प्रिंकल करेंगे। इससे जो हलवा है वो बहुत दानेदार बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है, इसलिए पानी गर्म करके आप डालिए हलवे में। इस तरीके से स्टर करते रहिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। आटे का जो हलवा होता है वो पानी अच्छा खासा ऑब्जर्व करता है, तो आप जितना आटा लें उसका डबल पानी डालें। इस तरीके से मिक्स कर दें, उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर डालें। मैंने इसमें 5 बड़े चम्मच शक्कर डाले हैं। अगर आपको ज़्यादा स्वीट पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और है ना सुपर इजी हलवा ये बनाने में। अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना है तो इस टाइम पे आप डाल सकते हैं, बट मुझे प्लेन पसंद है इसलिए मैं प्लेन ही रखती हूँ इसे। इस तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए ऊपर से डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और हलवा हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और यह हमारा हलवा बनके तैयार है। गणपति बप्पा मोरिया। सो फ्रेंड्स, था ना बनाने में बहुत ही इजी सा। ट्रस्ट मी गाइस, ये बनाने में बहुत ही इजी है और साथ ही साथ खाने में भी उतना ही अमेजिंग है। गणपति बप्पा को तो ये प्रसाद पसंद आएगा ही, साथ ही साथ आपको भी इसे बहुत एंजॉय करके खाएंगे। सो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए और इसी बात पे चलिए जल्दी से लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब कौन करेगा, चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।